फैशन डिज़ाइन एक गुड करियर नहीं है, सीरियसली। क्या अगर मैं ये बोलूँ तो क्या आप मान जाओगे? शायद नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव साइड लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ना कि उसकी पॉजिटिव साइड। समटाइम ऐसा होता है कि किसी फील्ड के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जज करने के लिए लोग हमेशा रेडी रहते हैं। ऐसा है इस करियर के साथ है। लोगों का मिसकंसेप्शन, अलग अलग परसेप्शन है कि फैशन डिज़ाइन नॉट अ गुड करियर, इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ वाव नहीं है, इसमें जॉब का प्रॉब्लम होता है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के माइंडसेट है। और मैं यहाँ पर ये डिफ़ाइन करने नहीं आई हूँ कि फैशन डिज़ाइन गुड करियर नहीं है, बल्कि मैं इन दोनों ही मुद्दे को आज क्लियर करने वाली हूँ, दोनों के साइड को क्लियर करने वाली हूँ। क्या रीज़न हो सकता है, लोगों के माइंड में क्या ऐसी थिंकिंग है, कैसे कन्फ्यूज़न है कि लोग ऐसा सोचते हैं। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये लोगों का डिमांड भी है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी है कि मैम दीदी, मुझे पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, समटाइम वो समझते नहीं हैं और वो जज करते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड करियर, क्योंकि बेनिफिट नहीं होने वाला फ्यूचर में। सारी चीज़ें वीडियो में कवर होंगी, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाए हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहो। पॉइंट वाइज क्लियर करूँगी कि क्या रीज़न हो सकता है कि लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं बेसिकली। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि डिज़ाइनिंग में बेसिकली सिखाते क्या हैं, हम लोग सीखते क्या हैं। फर्स्ट रीज़न कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या सिखाते हैं, क्या सीखते हैं। वो डिज़ाइनर जो इसका फील्ड है वही समझ पाएगा, जो जिससे वो बिलोंग करता है, जो पर्टिकुलर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है वही समझ पाता है, बट मैक्सिमम पीपल नहीं समझ पाते। सो नेक्स्ट रीज़न है कि जॉब की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जॉब की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, एंड दूसरा रीज़न ये भी है, एंड थर्ड रीज़न ये है कि जॉब मिल भी रहा है तो सैलरी कम मिलती है, और सैलरी कम मिलती है, काफ़ी डिग्री कर लेते हैं, कितने सारे पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन नहीं मिलती है। डोंट वरी, आप इससे भागना मत, क्योंकि लास्ट में सब चीज़ों का जवाब भी मिलने वाला है, तो बने रहो। जॉब जो होती है बेसिकली नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो कम सैलरी हम लोगों को मिलती है, हम इस करियर में कम सैलरी मिलती है, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि फैशन डिज़ाइनिंग में रनवे होता है, शोज़ होता है, मॉडलिंग होती है, लग्जूरियस लाइफ होती है, काफ़ी ग्लैमर होता है। ये भी बहुत बड़ा दिमाग का खेल है लोगों का, कि लोगों को नहीं पता कि ये भी सब इन्वॉल्व होता है, ये साइड उनको नहीं पता, इसलिए उनको ये करियर बेस्ट नहीं लगता है। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद हम डायरेक्टली बिज़नेस ही करेंगे, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाएँ, लाइक जॉब कर पाएँ। उनको डायरेक्ट लगता है कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोग को बिज़नेस ही करना चाहिए, क्योंकि वही एक सिक्योर जॉब हम लोगों के लिए होता है, जहाँ से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, उनको हमेशा तैयार होकर रहना होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है जो आगे बढ़ने के लिए लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें का ग्लैमर जो होता है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है, इस चीज़ को लोग फैशन डिज़ाइन करियर को भी इंक्लूड करते हैं, उसको सिमिलैरिटी समझते हैं कि ये भी वैसा है, बट ऐसा नहीं है। हो, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि किस तरीके का थिंकिंग रखते हैं, कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को ये लगता है कि फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं बेसिकली स्टिचिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग को
आइडिया ही नहीं है कि डिज़ाइनिंग करना क्या होता है, उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता है, बस वो ये करते हैं कि उसमें स्टिचिंग ही तो सिखाया जाता है, तो आप क्यों ना किसी ऐसी जगह पर स्टिचिंग ही करना सीख लो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम डिज़ाइनर गारमेंट क्यों नहीं बना रहे हैं, हम डे टू डे हर एक नया चीज़ क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं। ये भी होता है कि आप डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिए बट आप एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेबल गारमेंट नहीं बना पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इस चीज़ से भागते हैं। और मेरे को लोगों का परसेप्शन है, लोगों की सोच है, ये सारे जो बेसिक मेरे को लगता है ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के माइंडसेट में है, वही सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन मैं यहीं पे इस चीज़ को कवर और ख़त्म करना चाहती हूँ। ये बेसिक मुद्दा है कि लोग इस करियर में नहीं आना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता भी दूंगी, दिखा भी दूंगी, लेकिन मैं इन सब पॉइंट को अभी फ़िलहाल क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप लोग सोचते हो कि फैशन डिज़ाइनिंग अच्छा करियर नहीं है, स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं हो सकता है, एक स्टेबल करियर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसका पॉजिटिव साइड दिखाने वाली हूँ। अगर वो लोग देख रहे हैं, वो एक पेरेंट लोग देख रहे हैं या एक स्टूडेंट देख रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल ये वीडियो दिखाना और उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीज़ क्लियर कर दूँ, डिज़ाइनर्स को जॉब का इशू कभी नहीं होगा अगर वो बहुत ही क्रिएटिव, टैलेंटेड, स्किल उसके अंदर हर तरीके से वो एलिजिबल है चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए, अर्निंग के लिए, हर चीज़ों के लिए। अगर वो तैयार है तो कभी भी उसको जॉब के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, सैलरी कम हर किसी फील्ड में मिलती है। स्टार्टिंग में आप कभी भी इतना सारा अर्निंग नहीं करते हो, इनिशियली आप 20,000 के पर पेमेंट पे कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। मैं ये उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, अदर हैंड बहुत सारे ऐसे करियर है, बहुत सारे ऐसे करियर है जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, अगर उन फील्ड में जाओगे तो अलग अलग अर्निंग का सोर्स होता है, वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट एंड प्लस पॉइंट है इस करियर में। नेक्स्ट है ग्लैमर, बिल्कुल भी ग्लैमर नहीं है। डे टू नाइट असाइनमेंट करना पड़ता है, ज्यूरिक्स के बाद प्रेजेंटेशन रेडी करना पड़ता है, पीपीटी रेडी करना, नया थीम, नया कलेक्शन, नई चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है, ये सब चीज़ एक ग्लैमर लाइफ में नहीं होता है। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें ग्लैमर है, ग्लैमर का साइड मॉडलिंग में है, ना कि फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में। जब आप रनवे शोज देखते हो, लाइक फैशन शो देखते हो, तो आपको लगता है कि उसमें फैशन डिज़ाइनर का क्या रोल होता होगा, तो मैं बता दूं कि उनमें डिज़ाइनर्स का बैक स्टेज पे रोल होता है कि मॉडल्स को आप कैसे कितना ज़्यादा अपने गारमेंट को, मॉडल्स ही हम लोग का गारमेंट प्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रेजेंटेबल बनाया जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए कि उस गारमेंट को अच्छे से कैरी करें, प्रेजेंट करें, ये सारा एक डिज़ाइनर का रोल है। बैक स्टेज पे वो होता है, इवन वो फ्रंट पे आके ये भी नहीं देखता है कि उसके डिज़ाइंस कैसे पब्लिक में दिख रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स को अलाउ नहीं होता है कि वो लोग जाएं अपने शोज़ को खुद अपने आँखों से देखें, नो, ये अलाउ नहीं होता है। तो ग्लैमर बिल्कुल भी नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक मोमेंट आता है कि आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा जब आप बहुत सारे अर्निंग करोगे या फेमस हो जाओगे, लेकिन ग्लैमर आई डोंट थिंक इसमें कुछ ग्लैमर है। स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो फेमस डिज़ाइनर हैं आई डोंट नो, बट अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ मैं आपको वही बताऊँगी। नेक्स्ट क्या है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग सिखाते हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टिचिंग नहीं सिखाया जाता है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बेसिक स्टिचिंग का, कंस्ट्रक्शन का, आपको छोटा छोटा चीज आपको मालूम होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप खुद से कोई गारमेंट बना रहे हो तो उसका होल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टिचिंग करने लगोगे। तो बहुत कम कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता है, बट बीइंग अ डिज़ाइनर आपको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज लिटिल बिट होना चाहिए। दैट्स वाई अगर आप खुद का रन करोगे बिजनेस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, टेलर्स को समझाने के लिए, नए नए डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाने टाइम आपको हेल्प हो सकता है। अगर आपको इस करियर को लेके और भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको थोड़ा मेरे लिए, अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है
जो और ज़्यादा लोगों के माइंड में आता है कि ये भी एक रीज़न है इस करियर का इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने का। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ कि आप कैसे जॉब प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको कैसे फेस आउट कर सकते हो, इवन कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, अच्छा जॉब आप कैसे ले सकते हो। आपको राइटिंग स्किल आनी चाहिए, आप कैसे रिज्यूमे अपना मेंटेन करते हो, सारी चीज़ मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। अगर आपको आपको चाहिए ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड होप करती हूँ कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लोगों से ज़रूर शेयर करना जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि डिज़ाइनिंग एक अच्छा करियर नहीं है, और शायद उनका सारा माइंडसेट एक चुटकी में क्लियर होने वाला है, और फिर भी आपको लगता है कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर होना चाहिए था, तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहो, हमेशा स्माइल करते रहो, क्योंकि खुश रहोगे स्माइल करते रहोगे तो सच में आप लोगों से अट्रैक्ट होगे और लोग आपको पसंद करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।